हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल ससुई किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने बनाया है कालाकंद मिठाई, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाना भी इसको बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा 2 लीटर काऊ मिल्क है और 1 लीटर का तो हमें छेना बनाना है और 1 लीटर का हमें इसी तरीके से उबालते हुए गाढ़ा करना है, एकदम खोआ की तरह। तो चलिए इन दोनों को हम पहले बर्तन में डाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, कढ़ाई में भी दूध रख दिया है मैंने और पतीले में भी। पतीले वाले दूध को हमें छेना बनाना है उबाल के और कढ़ाई वाला दूध हमें इसी तरीके से चलाते हुए गाढ़ा करना है, एकदम खोआ की तरह। तो चलिए पहले हम इस दूध को उबाल लेते हैं, पतीले वाले दूध को, और कढ़ाई वाले दूध को तो हमें ऐसे ही चलाते रहना है। ये देखिए, जो हमारा कढ़ाई वाला दूध है इसको हमें चलाते रहना है बीच बीच में। ये देखिए, इस तरीके से चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा छेना वाला जो दूध है वो उबल चुका है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये विनेगर है हमारा, 2 टेबल स्पून इसके अंदर विनेगर है और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर पानी है। ये वही विनेगर है जिसको हम चाउमीन वगैरह में यूज़ करते हैं, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम हल्का सा इस तरीके से घुमा देंगे और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट, ये अपने आप फट जाएगा दूध। ये देखिए फ्रेंड, हमारा छेना कितने अच्छे तरीके से फट चुका है, देख सकते हैं आप लोग। इसका जो पानी है वो बिल्कुल अलग हो चुका है, छेना अलग और पानी का कलर आप लोग देख सकते हैं, येलो येलो दिख रहा है। तो यानी कि हमारा छेना बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको एक कॉटन के कपड़े में छान लेंगे। ये देखिए, ये मैंने बर्तन लिया है, उसके ऊपर मैंने ये कॉटन का कपड़ा रख दिया। अगर आपके पास कॉटन ना हो तो कोई सा भी सॉफ्ट कपड़ा यूज कर सकते हैं आप लोग। अब हम ये छेना इसके अंदर डालेंगे आराम आराम से। और इसका पानी हम पहले निचोड़ लेंगे इस तरीके से, और ये जो बचा हुआ पानी है ये हमारा छेना का पानी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, अच्छा होता है बहुत। इस पानी से आप आटा गूंथ सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो इसको पहले हम हल्का पानी इसके निकल जाने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसका पानी निकल चुका है, देख सकते हैं आप लोग छेने में से। तो अब हम इसके अंदर, ये देखिए, अब हम इस छेना को, ये हमारा ठंडा पानी है फ्रिज का, इस छेना को ठंडे पानी से हम अच्छे से धो लेंगे ताकि जो इसका हमने इसके अंदर विनेगर डाला है उसका टेस्ट निकल जाए, उसका स्मेल भी। इस तरीके से हमें धोना है पानी डाल के अच्छे तरीके से। ये देखिए, एक कटोरा पानी कम से कम मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ धोने में। और अब हम इसको छान लेंगे। ये देखिए, अब हमें इसको कम से कम इसका पूरा पानी अच्छे से निचोड़ जाने तक इसी तरीके से हम कहीं पे बांध के या फिर किसी कटोरे वटोरे में इसी तरीके से आप ऐसे रख सकते हैं, जो कि हमारा जो भी पानी है छेना में अभी वो निकल जाए, या फिर आप कहीं बांध के और टांग भी सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा जो दूध है वो भी अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितना था और कितना हो गया है। तो अब हम इसके अंदर मिलाएंगे शक्कर। तो ये हमारा 1 कटोरी शक्कर है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसके अंदर हम अभी आधा डालेंगे और इसको पहले हम अच्छे से मिला लेंगे। दो तीन मिनट तक मिलाना है हमें इसको। अब जो हमारा बचा हुआ चीनी है वो भी हम डाल देंगे और चीनी डालने के बाद हमें इसको और अच्छे तरीके से गाढ़ा करना है चलाते हुए। ये देखिए फ्रेंड, हमारा छेना बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी इसके निकल चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा छेना, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा बना है। तो इसको हम अच्छे से पहले मैश कर लेंगे हाथों से, अच्छे तरीके से मैश करना है। ये देखिए फ्रेंड,
इस तरीके से हमें इसको मिलाना है। देख सकते हैं आप लोग मेरे हाथ की तरफ, एकदम छेना हमारा जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। ये देखिए, तो देख सकते हैं हमारा छेना एकदम सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए। तो अब हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। देख सकते हैं ये हमारा जो दूध था वो एकदम गाढ़ा हो चुका है, रबड़ी की तरह एकदम। ये देखिए, और इसका कलर भी हल्का चेंज हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम अपना छेना इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से मिक्स करना है। छेना को इसके अंदर चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा छेना जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और इसको मैंने बहुत देर तक इसी तरीके से चलाया है। तो ये देखिए, ये हमारा जो काला कंद है वो एकदम कढ़ाई में से छूट रहा है, साइड साइड से आप लोग देख सकते हैं। तो यानी कि ये परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक प्लेट लिया है, और इसके अंदर हल्का देसी घी लगाएंगे, और देसी घी को हम अच्छे से पूरे तरफ हाथ से अच्छे से फैला लेंगे, ताकि जो हमारा काला कंद है वो इसके अंदर निकालते समय चिपके ना। देखिए, जो हमारा प्लेट है उसको मैंने अच्छे से घी लगा लिया है। अब हम इसके अंदर ये डालेंगे, काला कंद जो है हमारा। ये देखिए, सारा हमने काला कंद का बैटर जो है इसके अंदर डाल दिया, हल्का सा हाथ में पानी लगा के, और हम इसको आराम आराम से इस तरीके से फैलाएंगे चारों तरफ प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड, हमने चारों तरफ से इसको बराबर कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। और अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स है हमारा। ये ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम और पिस्ता। तो इन सबको हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसको हल्का हल्का हाथ से इस तरीके से दबा देंगे, ताकि जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो इसके अंदर चिपक जाए, काला कंद के अंदर। और इसको हम फ्रीज में 2 घंटे के लिए रख देंगे, ये अच्छे से सेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी पीसेस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा काला कंद लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको पीसेस करेंगे। तो एक नाइफ से हम इसको कट करेंगे आराम आराम से, देख सकते हैं कितने अच्छे से कट हो रहा है ये। ये देखिए, पहले हमें इस तरफ से कट करना है, उसके बाद हमें इधर से कट करना है, जितना बड़ा आपको साइज पसंद है उतना बड़ा आप साइज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपने काला कंद को कटिंग कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। और मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, आराम से ये निकल जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। इसको तोड़ के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं सिर्फ दूध से काला कंद। तो आइए, मैं आपका काला कंद अब सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारा काला कंद बनकर रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इस तरीके से एक बार काला कंद बना के एक बार जरूर घर में ट्राई करिए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमारी रेसिपी आप लोग कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बेके लिए बाय। अगर आप लोग को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।